एक लंबी अवधि के लिए सरकार बनाने में अक्षम है तो फिर से लोकसभा के चुनाव की घोषणा होती है, और इस प्रकार 12वीं लोकसभा के चुनाव 11वीं लोकसभा के चुनाव के मात्र 2 वर्ष के अंदर हो जाते हैं। ऐसे चुनाव जो 5 वर्ष की कार्यावधि पूरा होने के पहले हो जाएं, उसे क्या कहते हैं? मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म पोल। टर्म समाप्त होने के बीच ही, काल समाप्त होने के बीच ही जो चुनाव हो जाएं वह मिड टर्म पोल कहलाते हैं। तो इस प्रकार डीएमके लिट्टे के संबंधों पर जैन आयोग द्वारा उंगली उठाए जाने पर कांग्रेस समर्थन वापस लेती है, और कांग्रेस के लिए मुद्दा बहुत अहम इसलिए था क्योंकि राजीव गांधी कांग्रेस के ही नेता थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या हुई थी। तो इसलिए इसे बड़ा सेंसिटिव मामला मानते हुए इंद्र कुमार गुजराल की सरकार से समर्थन वापस। और अब जब राष्ट्रपति ये देखते हैं कि यह लोकसभा स्थायी सरकार देने में समर्थ नहीं है, तो अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए, ये इस बात को मैं विवेकाधिकार कह रहा हूँ क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है जो ये कहे कि किन स्थितियों में राष्ट्रपति लोकसभा भंग करने का आदेश दे सकता है। एक समय ऐसा आता है जब संविधान में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति अपने विवेक का अधिकार करते हुए निर्णय ले सकता है कि लोकसभा को भंग किया जाए और नए चुनाव की घोषणा के लिए इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया जाए। तो 12वीं लोकसभा का चुनाव 1998 में 2 वर्ष के भीतर ही होता है। 1998 के चुनाव की स्थिति कैसी रहती है? भारतीय जनता पार्टी अब फिर से लार्जेस्ट सीटों के साथ, अधिकतम सीटों के साथ लोकसभा में आती है। इस बार उसकी 177 सीटें होती हैं। कांग्रेस ई मात्र 140 पर ही सिमटी रहती है। इंदिरा कांग्रेस को मात्र 140 मिलती हैं। उसके बाद अन्य जो दल रहते हैं उनमें भारतीय साम्यवादी दल को 32, समाजवादी दल को 20, अन्ना द्रमुक 18 आदि आदि, जैसा कि आप इस चार्ट से देख सकते हैं। इसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं, इसमें आप पाएंगे, इसके हम एनालिसिस बाद में पुनः करेंगे, पर अभी फ़िलहाल आप ये जानें कि आप देखेंगे कि क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या लोकसभा में बड़ी सीमित रही, चाहे वो शिवसेना हो, द्रमुक हो, जनता दल हो, बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल, बीजू जनता दल आदि आदि, इन सब की संख्या बड़ी कम रही, पहली बात। दूसरी बात देखेंगे कि लोकसभा के अंदर कितने सारे दलों का प्रतिनिधित्व अब हो गया था, और ये दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा था, अर्थात क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला बढ़ता ही चला जा रहा था। बहुत कम संख्या में रहते हुए भी एक स्थिति ऐसी आ रही थी जब ये क्षेत्रीय पार्टियां किंग तो नहीं बन पाई पर किंग मेकर बन रही थी, अर्थात बहुमत किस दल को देना है, किस दल को समर्थन देना है, ऐसा तय करने की स्वतंत्रता जो इन क्षेत्रीय पार्टियों को थी, इसका इन क्षेत्रीय पार्टियों ने बड़ा फायदा उठाया और इस समय को बहुत भुनाया। बहुत से दल ऐसे थे जो 1, 1, 1, 2, 3, 4 सीटें लेकर लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व महसूस करा रहे थे, अपना वजूद महसूस करा रहे थे, पर कुल मिलाकर हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी 177 और कांग्रेस ई 140 और अन्य जिसमें समाजवादी दल 32 आदि आदि हैं। कुल 534 सीटों में चुनाव हुआ और 9 स्थानों में तो बाद में करवाया गया निर्वाचन। ये 9 स्थानों में बाद में निर्वाचन करने के कुछ क्षेत्रीय कारण थे, और 9 स्थानों में 6 जगहें थी जम्मू कश्मीर में, बिहार और हिमाचल प्रदेश में आदि। तो ये जो लोकसभा जब आती है, इसका चुनाव होता है, परिणाम आते हैं, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता, किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता, तो उसे हम कहते हैं त्रिशंकु संसद। त्रिशंकु संसद ऐसी संसद जहाँ पर किसी भी दल को
गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और जिसके सहयोगी दल शिवसेना, समता, हरियाणा लोक दल, अकाली दल, बीजू जनता, अन्ना द्रमुक आदि आदि, ये सब मिलाकर भी कुल मिलाकर 250 ही स्थान ले पाए। कितने? 250। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी, मुस्लिम लीग, आरजेपी, इनको 166 मिलता है। तो 250 भी बहुमत से कम है, क्योंकि 534 का आधा प्लस वन इतना होना चाहिए बहुमत के लिए। तो यहाँ तो 285 सीटें थी, उसके स्थान पर दूसरे यदि पार्टी को हम देखें तो कांग्रेस की स्थिति और भी बेकार थी, उसे या उसके सहयोगी संगठन को मात्र 166 स्थान मिले। सबसे दयनीय स्थिति रही संयुक्त मोर्चे की, जिसकी सरकार में तीन तीन बार प्रधानमंत्री बदले। कभी वो कांग्रेस के समर्थन से चलती थी, कभी रामो वामो के समर्थन से, आदि आदि। इस चुनाव में संयुक्त मोर्चे की हालत सबसे पतली हुई। तमिल मनीला कांग्रेस, समाजवादी दल, फॉरवर्ड ब्लॉक, क्रांतिवादी समाजी दल, आदि आदि, ये सब इसमें शामिल थे। जनता पार्टी इस बार फिर मिली जुली सरकार बनाती है। जनता पार्टी सबसे बड़ा गठबंधन होने के नाते फिर से मिली जुली सरकार बनाती है। और इस प्रकार 1998 के चुनाव में भी, जिसे हम हंग पार्लियामेंट या त्रिशंकु पार्लियामेंट के रूप में देखते हैं, वहाँ भी एक जोड़ तोड़ के साथ एक सरकार बनती है और इसका नेतृत्व पुनः भारतीय जनता पार्टी करती है। वही भारतीय जनता पार्टी जिसने पिछले चुनावों के समय में 13 दिन मात्र सरकार चलाने में सफलता पाई थी और फिर विश्वास मत खो दिया था, वही अब पुनः सत्ता में वापस होती है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा समय के लिए। ये सरकार 13 दिन चली थी, इस बार वो 13 माह चलती है। 16 राजनीतिक दलों और समूहों की साझा सरकार, 16-16 दल। अब इसके मतलब ये हुए कि 16 दल मतलब 16 अलग अलग तरीके की वैचारिक भिन्नताएं। इनमें से हो सकता है कुछ दल ऐसे हैं जिनके कुछ अपने विचार ही ना हो, बल्कि कुछ और मुद्दा रहा हो। तो ये मान लें कि कुछ नहीं तो कम से कम वैचारिक भिन्नताएं तो 8-9 दलों के बीच में रही होगी। इन वैचारिक भिन्नताओं को समेट कर रखना, एकजुट रखना और एक सरकार चलाना एक बहुत ही दूभर कठिन काम था, और वह भी 5 वर्ष के लिए, कुछ क्षणों, कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए नहीं। तो वैचारिक भिन्नता को लेकर जब गठबंधन होता है, ऐसी साझा सरकार की आयु लंबी होने की संभावना बहुत कम रहती है। 13 माह पश्चात यानी अप्रैल 99 को ये सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है, क्योंकि इस दिन लोकसभा में वाजपेयी द्वारा जो विश्वास मत पेश किया गया, मात्र एक मत से वाजपेयी की सरकार विश्वास मत नहीं पा पाती और एक बहुमत रद्द हो जाता है। जब कोई भी राजनीतिक दल वैकल्पिक सरकार के निर्माण की स्थिति में नहीं था, तो राष्ट्रपति ने अप्रैल 99 को ये 12वीं लोकसभा भी भंग कर दी। घटनाक्रम देखिए कितना तेजी से बदल रहा है, चुनाव का बोझ कितना पड़ते जा रहा है, आर्थिक बोझ भी कितना इन राजनीतिक व्यवस्था के कारण बढ़ते जा रहा है, और वह भी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये कि मात्र बहुमत की राजनीति में मात्र एक वोट से ये सरकार गिरी लोकसभा के अंदर। और जब कोई वैकल्पिक सरकार न बनने का की संभावना स्पष्ट हो गई, तो फिर 6 अप्रैल 99 को 12वीं लोकसभा को भी भंग कर दिया जाता है। वाजपेयी की सरकार में शामिल 13 राजनीतिक दल, जो 16 थे उनमें से 13 दल, अब वे एक अपना एक विचारों के आधार पर एक पर्याप्त गठबंधन बनाते हैं। पूर्व में 13 दिन चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार
उसके बाद 13 माह चलने वाली वही भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार, अब 13वीं लोकसभा के लिए 13 दलों के साथ गठबंधन करती है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, 13 का खेल चला है, 13 नंबर का खेल। 13वीं लोकसभा के लिए चुनाव होता है, 13 दलों के गठबंधन के रूप में एक साझा कार्यक्रम लेकर ये सामने आते हैं। ये शब्द हम एक तरीके से पहली बार यहाँ सुनते हैं, साझा कार्यक्रम। साझा कार्यक्रम अर्थात विचारों की भिन्नता के बावजूद ये विभिन्न दल कुछ न्यूनतम योजनाओं पर सहमत हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कम से कम इन बातों पर हम में सहमति है और हम चुनाव इन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे, बाकी मुद्दे हम बैक बर्नर पे रखेंगे, पीछे रखेंगे। तो इस बात को लेकर 13वीं लोकसभा का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया जाता है और ये जो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल हैं, ये अपने को अब क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। आज भी ये गठबंधन बना हुआ है, इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1999 को, ये गठबंधन का निर्माण हुआ था 1999 को। इसमें एक दो दल अभी बदल गए हैं, लेकिन NDA के रूप में, जिसे संक्षिप्त में NDA कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसकी स्थापना 1999 मई में हुई थी। यदि हम इस गठबंधन की बात करें, गठबंधन की राजनीति की, तो ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि इस गठबंधन की राजनीति में पहली बार न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है। ठीक, आज भी गठबंधन की ही सरकार है, केंद्र में जो सरकार है वह गठबंधन की है। इस गठबंधन सरकार में जो NDA की सरकार हम कहेंगे, वास्तव में इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या इतनी ज़्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी यदि चाहती तो वो स्वयं अपने बल पर भी सरकार बना सकती थी, लेकिन गठबंधन की राजनीति में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सहमति के आधार पर NDA आज भी अस्तित्व में है। दिल्ली की सरकार आज भी NDA की सरकार है और हम उसे BJP की सरकार इसलिए कहते हैं क्योंकि NDA में BJP का जो नेतृत्व है उसके स्वयं की सीटों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सब तरफ वह भारतीय जनता पार्टी से ही लबरेज दिखाई देती है। 13वीं लोकसभा का चुनाव 1 सितंबर 1999 में होता है। इसमें क्या रहती है विभिन्न दलों की स्थिति? 13वीं लोकसभा का चुनाव, विभिन्न दलों की स्थिति क्या? सबसे पहला हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बात करें, जिसे NDA कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसे गत चुनाव में 177 सीट मिली थी, उसकी सीटों की संख्या में कुछ मामूली इजाफा होता है। यानी इस सब घटनाक्रम के बाद भी, गत दो वर्षों से उठी हुई ऊहापोह के बाद भी, गत दो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तथा असफलताओं के बाद भी, स्थायी सरकार देने की असफलताओं के बाद भी, जनता भारतीय जनता पार्टी पर ही अपना विश्वास दिखाती है और 182 सीट के साथ, सर्वाधिक सीटों के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं। इसमें अन्य दलों की स्थिति भी सुधरती है, शिवसेना, द्रमुक, बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल आदि आदि, इनको सीटें मिलती हैं। दूसरी ओर कांग्रेस अब सिमटती चली जा रही है, 140 सीटें जहां थी घटकर वो 114 पे रुक जाती है। कांग्रेस पार्टी जिसे पूर्व में 140 सीटें मिली थी, अब वह 114 पर सिमट जाती है। यानी धीरे धीरे
हम देखते हैं कांग्रेस का सतत रूप से पतन, गिरावट की ओर अग्रसर, कांग्रेस की विश्वसनीयता पर जनता के मन में सवाल उठने लगते हैं और बहुत सी जगहों में उसे पराजय देखनी पड़ती है। वाम मोर्चे की यदि हम बात करें, जो एक तीसरा खेमा था, तो वाम मोर्चे में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे ज़्यादा 33 सीटें मिलती हैं और उसके बाद उसके अन्य सहयोगी वामपंथी दल उसके साथ रहते हैं। तो इस प्रकार ये तीन मुख्य खेमे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का सवाल है, उसकी कुल संख्या 136 के गठबंधन को 136 सीट, वाम मोर्चा के गठबंधन को 59 सीट 59। इसके साथ ही कुछ अन्य लोग भी थे, जिसमें समाजवादी पार्टी 26, बहुजन समाज पार्टी 14, ये उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थे। इनका जो क्षेत्रीय दायरा था, वह क्षेत्रीय ही था और उत्तर प्रदेश बिहार में ही सीमित था, मूल रूप से उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 543 सीटों में जो चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता दल के गठबंधन को 305 सीटें मिलती हैं। कुल कितनी सीटें? 305। कांग्रेस के गठबंधन की संख्या बड़ी कम रहती है, 136, 59 साम्यवादी विचारधारा वालों को, और अन्य सीटों पर जो मैंने बताया, समाजवादी दल, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, निर्दलीय, ये कुल मिला के ब्रेकअप 543 का इस प्रकार है। परिणाम क्या होता है कि 13वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे को सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं। पहली बार 13 दिन के लिए, दूसरी बार 13 माह के लिए, और 13वीं लोकसभा में वे पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं। 13 अक्टूबर 1999 को उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार 24 राजनीतिक दल और राजनीतिक समूहों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में काम किया। कितने दल? 24। पहले मैंने बताया था आपको 13 गठबंधन, वैचारिक गठबंधन 13 के साथ था, न्यूनतम साझा कार्यक्रम 13 के साथ था, लेकिन बाद में चूंकि इस गठबंधन को भी स्पष्ट बहुमत पाने के लिए कुछ अन्य दलों की ज़रूरत पड़ी, तो जो अन्य दल सामने आया उनकी संख्या मोटी मोटी 8 या 9 थी, और इस प्रकार यह गठबंधन जो है वह लगभग 24 दलों का हो गया। जनतांत्रिक गठबंधन के अंग के रूप में 24 दलों का ये कुनबा था, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे थे। लेकिन ये शासन चलता है, लेकिन 2004 और 2009 के चुनाव में इसे पराजय मिलती है। 2004 और 2009 के चुनाव में इसे पराजय मिलती है। ये 13वीं लोकसभा की बात है। 13वीं लोकसभा को यदि हम देखें तो इसमें राष्ट्रीय गणतांत्रिक मोर्चा अपनी सरकार बनाता है, 5 वर्ष पूरे करता है, लेकिन इसके बाद की स्थितियां फिर कुछ बदल जाती हैं। अब हम इसको जानने के लिए हम आते हैं 14वीं लोकसभा चुनाव, 14th लोकसभा इलेक्शन, जो मई 2004 में होते हैं। 14वीं लोकसभा चुनाव मई 2004 अर्थात ये मध्यावधि चुनाव नहीं थे,
1999 में चुनी गई लोकसभा अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करती है। इस काल में अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा सत्ता में रहती है और अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को सफलतापूर्वक उसने पूरा किया। 14वीं लोकसभा का चुनाव जो है, इसने राजनीति को एक नया रंग दिया, कई गुल खिलाए, कई नई नई बातें सामने आई। सबसे बड़ी बात या सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि तत्कालीन सरकार का जो बहुत प्रसिद्ध नारा था, भारत उदय, फील गुड, इंडिया राइजिंग, इन नारों से पूरा देश को पाट दिया गया था। चहुं ओर यही नारे दिखाई दे रहे थे, भारत उदय, गुड फील, फील गुड, इंडिया राइजिंग आदि आदि। और उम्मीद थी कि इन नारों का सकारात्मक प्रभाव जनता पर पड़ेगा, अर्थात जनता अंदर से भावनात्मक रूप से महसूस करेगी कि हाँ, भारत आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। और ऐसा सोचते हुए वह तत्कालीन सरकार को अपना समर्थन जारी रखेगी। लेकिन दुर्भाग्य कि इन सब नारों के बावजूद भी जनता ने इन्हें नकार दिया। जनता ने नारों को नकारा और जनता ने नारों को लेकर चलने वाली सरकार को भी नकार दिया। और उसके बदले अब वह कांग्रेस और उसके सहयोगियों को समर्थन देती है, अर्थात लोकसभा में कांग्रेस और उसके समर्थक दलों को ज़्यादा सीटें मिलती हैं। दलीय स्थिति क्या रहती है? यदि हम दलीय स्थिति की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन को 220, इस 220 सीटों में 145 सीट कांग्रेस को, पिछली लोकसभा में कांग्रेस को मात्र 114 मिली थी, अब वह संख्या बढ़कर 145 हो जाती है, कांग्रेस के स्वयं की सीट। और रही कांग्रेस के गठबंधन की बात, तो उसमें कुल इसकी जो सदस्य संख्या थी वो 220 थी, अभी भी बहुमत से बहुत पीछे, अभी भी बहुमत से बहुत पीछे। कांग्रेस के गठबंधन में इस बार राष्ट्रीय जनता दल, TRS, PMK, ADMK, MDMK, लोक जन पार्टी आदि आदि बहुत सारी पार्टियां जुड़ी थी। रही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बात, तो उसके सीटों की संख्या 220 के तुलना में अब मात्र 186 थी। कहाँ उसको पहले 305 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में, 13वें लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन के सीटों की संख्या 305 थी, वो अब घट के 186 आ गई। और इसीलिए मैंने कहा कि इतने सब नारों के बावजूद, जो लुभावने नारों के बावजूद भी जनता ने इस गठबंधन को नकारा और उसे मात्र 183 तक सिमटा दिया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, जिसे बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी पिछले चुनाव में, उसकी संख्या घटकर 182 से अब मात्र 138 रह गई। भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या 138, उसके जो सहयोगी दल शिवसेना, बीजू जनता दल, अकाली दल आदि आदि, तो कुल संख्या इनकी हुई 186। कांग्रेस गठबंधन 220। अब तीसरा जो खेमा था, जिसे हम अन्य कह सकते हैं, जो इन दोनों गठबंधनों में शामिल नहीं थे, उसकी क्या स्थिति थी? इसमें वो जो साम्यवादी गुट था, वाम मोर्चा जिसे पहले हम कहते थे, रामो वामो, आपने सुना होगा, राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा, तो ये वाम मोर्चे के सदस्य भी इस अन्य में शामिल हैं। इनकी स्थिति क्या थी? अन्य को मिलते हैं 136 सीटें लोकसभा में, काफ़ी बड़ी संख्या, स्वयं में एक बहुत बड़ा गुट बन जाता है।
और इस अन्य के अंतर्गत अन्य के खेमे में 89 सीटें जाती हैं वामपंथी दलों के गुट को, किनको? वामपंथी दलों को। तो 220 कांग्रेस गठबंधन, 186 भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, 136 अन्य, और उस अन्य में 89 वामपंथी दलों को। यहाँ पर 13 मई 1904 के परिणामों के बाद बहुत उठापटक होती है और 22 मई 2004 यानी 10 दिन बाद कांग्रेस के मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। आखिर वो बनते कैसे हैं जब उनके पास खुद के पास गठबंधन के पास बहुमत नहीं है? तो ये अन्य दलों के गठबंधन से सरकार बनाने में सफल होते हैं, और वह भी सरकार जो 5 साल पूरी चलती है। जिस प्रकार 13वीं लोकसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने पूरे 5 वर्ष शासन किया, गठबंधन की राजनीति को सफलतापूर्वक चलाया, उसी प्रकार इस बार अब कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन सामने आता है और इसे कहते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अर्थात यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो एक ओर भारतीय जनता पार्टी का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था जिसमें करीब 24 दल थे, दूसरी ओर एक गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में था जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहा गया या UPA कहा गया। और इसमें ये अन्य के खेमे से बहुत से लोगों ने सरकार को अंदर से या बाहर से मदद देने सहयोग देने का उनके साथ समर्थन देने का वादा किया। इस बाहरी समर्थन के बल पर UPA संयुक्त मोर्चा संयुक्त प्रोग्रेसिव अपना बहुमत साबित कर देता है और यह सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 5 साल चलती है और ये भी करीब 25-26 दलों का एक गठबंधन रहता है। आप सोच सकते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्रीय दलों की राजनीति कितनी अहम हो चली थी। मैंने जैसा एक बार आपको कहा, अब ये दल किंग तो नहीं थे लेकिन किंग मेकर बनने की स्थिति में आ गए थे। 2004 से 2009 14वीं लोकसभा का काल, प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह और UPA का काल,